सो ये व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं परफॉर्म फाउंडेशनल डेटा एमएल एंड एआई टास्क इन गूगल क्लाउड चैलेंज लैब का। तो यार आप कॉन्सोल को ओपन कर लेना है इनकोगिटो में, तो यार आपका भी कॉन्सोल ओपन हो जाएगा। देन इधर से आपको आपके क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना है। देन साइज जो इसकी मैं आप लोगों के लिए इंक्रीज कर देता हूँ। देन डिस्क्रिप्शन में कोड की लिंक रहेगी, वहां से उस कोड को एक्सेस कर लेना। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना, वहां से आपको आपका रीजन कॉपी करना रहेगा, कॉपी कर लेना। देन इधर आना, आपको आपका कॉपी करना है, मुझे मेरा कॉपी करना है। पेस्ट करना रीजन को फर्स्ट वाली लाइन में, बिल्कुल स्पेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जैसा मैंने पेस्ट करा है वैसे ही होना चाहिए। देन डेटा सेट नेम के लिए क्या करना, इधर आना एंड यहाँ से आपको जो है आपका डेटा सेट नेम जो है वो देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे जरा सा आप जो है ध्यान से देखोगे तो बिटकॉइन डेटा सेट नेम देख रखा है लैब 192, ये मेरा है, आपका मे भी अलग हो सकता है। सो आपको आपका अलग पेस्ट करना है। डेटा सेट नेम भी अगर डेटा सेट नेम पेस्ट कर दिया, टेबल नेम की बात आती है तो इधर से और टास्क वन में सीधे एंड यहाँ से जरा सा नीचे स्क्रॉल करोगे सो यहाँ से आपको कस्टमर 908 या आपकी टेबल नेम दिख रही होगी, इसको कॉपी कर लेना। देन इधर आ जाना, देन इधर से आपको इस टेबल नेम को पेस्ट कर देना है इस साइड पे। देन बकेट नेम आपको कहाँ से मिलेगा, सो इधर से अपने थर्ड वाले टास्क पे चले जाना एंड यहाँ से आपको अपना ये थर्ड वाले टास्क का ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है आपको अगेन इधर आ जाना है, इधर आके जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन अगेन आपको बैक जाना है एंड फोर्थ वाले टास्क पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से जो है आपको इस नेम को कॉपी करना है। देन अगेन टास्क वन के ऊपर आ जाना एंड यहाँ पे अपने नोटपैड पे आ जाना, इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगेन इन सारी की सारी चारों की चारों चीज़ों को कॉपी कर लेना एंड इधर आ जाना, इसको यहाँ पे पेस्ट करना, एंटर दबा देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देन अगेन आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद जो है आपको नॉर्मली इधर आ जाना है। इधर आके आपको सबसे पहला काम क्या करना है, तो यहाँ पे से आपको ये फर्स्ट तीन कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है आपको इसको यहाँ पे आ जाना है, पेस्ट करना, एंटर दबा देना है। देन अगेन आपको बैक आ जाना है, देन बैक आने के बाद इन दोनों कोड को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जो है अगेन आपको इधर आ जाना है, पेस्ट कर देना, एंटर दबा देना है। देन अगेन आपको इधर आ जाना है, देन एक सेकेंड अगर ऐसा है ना तो मैं इसको अगेन ओपन कर लेता हूँ एंड अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जो है हमें इधर आ जाना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे एंड एंटर दबाने के बाद जो है आपको अगेन इधर आ जाना है। इधर आने के बाद जो है आपको इस पूरी चीज़ को कॉपी करना है, ठीक है। तो यार एक मिनट देखना है एंड यहाँ से ये जो ई ओ एफ लिखा ना मैंने गलत कॉपी कर लिया था अभी, यहाँ से लेकर ऊपर तक ये ई ओ एफ तक कॉपी करना है, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जो है आपको इधर आ जाना है एंड कंट्रोल सी दबा देना एंड देन इसको पेस्ट करना, एंटर दबाना। देन अगेन आपको इधर आ जाना है, इधर आने के बाद जो है एंड इधर आने के बाद आपको ये पाइथन टेबल डॉट पी वाई को कॉपी करना है। देन इधर आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे। देन अगेन इधर आ जाएंगे, इधर से आपको ये वाली लाइनों को कॉपी करना है, ये जितनी भी लाइनें दी है ना गूगल क्लाउड की, ये यहाँ से यहाँ तक फुल कॉपी हो जाएगी। देन अगेन आपको इधर आ जाना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। सो ये जो हमारा फर्स्ट जो काम है वो प्रॉपरली डन हो जाएगा। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब हमें अपना क्लस्टर क्रिएट करना रहेगा, सो इस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो है अगेन हमें इधर आ जाना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, इसे जो है एग्जीक्यूट हो जाने देना कम्प्लीटली। अरे ये बन चुका है, अब बैक आना, बैक आकर जो है सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है चेक में प्रोसेस पे क्लिक करना, क्या ये वाला टास्क हमारा कम्प्लीट होता है, ये चेक कर रहा है हमारा टास्क कम्प्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सो हमें जो है वेट करना है, क्रिएट देन टिल वेट गेट इज कम्प्लीटेड, ठीक है, इसे जो है हो जाने देना। तब तक आप क्या करना, अगेन हमें जो इस पर्टिकुलर चीज को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है हमें क्या करना है, इधर आ जाना है, पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। देन अगेन ऐसा है तो कैप्स लॉक ओपन करके वाई लिखना, एंटर दबा देना, देन दो बार एंटर प्रेस करना, ठीक है। देन उसके बाद ये बोलेगा कि आप इस रीजन में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो एन लिख के एंटर प्रेस कर देना। देन उसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस टाइप का आ जाएगा यहाँ पे एंड अगेन आपको इधर आ जाना है एंड ये नोट पैड पे हम अगेन वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद आपको ये चीज़ को कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद इधर आ जाएंगे, इधर आके इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। देन इधर आ जाएंगे एंड ये इस वाली चीज़ को जो है हम कॉपी कर लेंगे एंड इधर आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे। देन अगेन हमें इधर आ जाना है एंड टर्मिनल की आली कमांड को जो हमें बहुत देख के कॉपी कर लेना है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कमांड कॉपी कर लेना है। देन इधर आ जाना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। देन अगेन बैक जाएंगे, देन इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है कॉपी कर लेंगे, ये हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो है अगेन हमें इधर चले जाना है एंड इसे जो है एक बार एग्जीक्यूट हो जाने देना कम्प्लीटली। सो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। देन उसके बाद अगेन हमें बैक चले जाना है, बैक जाने के बाद अगेन जो है हमें यहाँ से यहाँ तक का फुल पार्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है आपको अगेन इधर आ जाना है एंड इसके बाद जो है हमें इस चीज़ को भी पेस्ट करना रहेगा। कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करना, एंटर दबाना। देन इसके बाद आपको कैप्स लॉक दबाने का बोलेगा, कैप्स लॉक ओपन करके रख लो सबसे पहले, तो कैप्स लॉक हमने ओपन कर लिया। देन हमें क्या करना है, हमें जो बोलेगा कि भाई आप जो है कैप्स लॉक में वाई लिखो, देन कैप्स लॉक ऑफ करो, देन एंटर प्रेस करो, देन ऑथोराइज पे क्लिक करना। ऑथोराइज पे हमने क्लिक कर दिया है
ऑथोराइज पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी आईडी दिखेगी, उस पर साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद जो है आपको आपका कोड दिखेगा नीचे स्क्रॉल करके, उस पर अलाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से उस चीज़ को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जो इस साइड आ जाना एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना, एंटर दबा देना। देन उसके बाद जो है अगेन हम इधर आ जाते हैं एंड इधर आने के बाद जो है हमें इस चीज़ को जो है अगेन कॉपी कर लेना है यहाँ से लेकर ये ईओएफ तक। तो ये हमने जो है कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इधर आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया है काम, डन। एंड ये चेक कर रहा है एंड हमें अगेन जो है थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस क्या रहेंगे, सो अगेन हमें जो है इस चीज़ को कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक, ये हमने कर लिया है। एंड या नहीं नहीं करना पड़ेगा, चलो सक्सेसफुली डन हो चुका है। एंड आपको जो है नॉर्मली हमने जो यहाँ से यहाँ तक कर लिया, ये लास्ट वाली एक चीज़ को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है हमें इधर आ जाना है, इधर आके पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। ठीक है, सो ये जो है ये काम हमने जो है प्रॉपरली डन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली बैक चले जाना है, सीधे टास्क वन पे क्लिक करना, क्या टास्क कंप्लीट होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना, क्या वाला टास्क कंप्लीट होता है, और ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड थर्ड टास्क पे चलते हैं, चेक मेट्रोस पे क्लिक करते हैं, क्या टास्क कंप्लीट हो रहा है, ये भी हो गया। टास्क फोर की बात करते हैं, ये वाला टास्क कंप्लीट हो रहा है और ये भी हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी किसी का टास्क टू में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो 5-6 मिनट वेट करना अगर इस पर टिक ना लगे तो, एंड देन उसको ट्राई करना, हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।